नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इतिहास में किन्नर समाज की छवि हमेशा परिवारों में खुशियों के मौके पर अपनी दुआ देकर बधाइयां लेने की रही है, लेकिन पिछले दिनों पिंजौर में किन्नर समुदाय के डेरे में गद्दीनशीन महंत हिना की ओर से गोद ली गई बच्ची को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ हुए विवाद में किन्नर समुदाय को बदनाम करने की साजिश की गई, उसे किन्नर समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सेक्टर 27 स्थित चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डेरा गद्दीनशीन फरीदाबाद महामंडलेश्वर भवानी माँ ने कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किन्नर समाज को देश का नागरिक होने की मान्यता देकर जो सम्मान दिया वो प्रशंसनीय रहा, लेकिन किन्नर समुदाय की ओर से एक बच्ची को गोद देने पर जो विवाद सरकारी अधिकारियों की ओर से किन्नर समाज को बदनाम करने का किया है वो बहुत ही शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है। इसके लिए वो सभी सरकारी अधिकारी किन्नर समुदाय से लिखकर माफी मांगे या सत्ताधारी सरकार उन सरकारी अधिकारियों पर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें दंडित करें, अन्यथा किन्नर समुदाय अपने मान सम्मान के लिए आंदोलन कर इंसाफ के लिए संघर्ष करेगा। इस मौके पर रूबीना महंत, सोनाक्षी महंत, रेशमा महंत, बंटी महंत, कमली महंत, गुड़िया महंत समेत अलग अलग जगहों से आए डेरों के गद्दीनशीन महंत मौजूद रहे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये हमारी लड़ाई है हमारे डेरे की, हमारी परंपरा की, अपनी इज्जत की, अपनी इज्जत की, ठीक है ना। आज हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी है, लड़ना स्टार्ट किया है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, इसमें कोई हिजड़पन नहीं है, ये हिजड़पन की लड़ाई नहीं है, है ना, ठीक है। हिजड़पन की लड़ाई है, डेरों की लड़ाई, लेकिन हमने अपने तरीके से लड़ी है। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सब लोगों ने हमारी फैसले भी हम लड़ रहे हैं, हमारी भवानी माँ है हमारे साथ, है ना। जय श्री माँ का। मैं चारी चटाई की माई को दंडवत करती हूँ, दावाली करती हूँ। देखिए, ये कोई मेरी लड़ाई नहीं है, बिना की लड़ाई नहीं है, आज ये गद्दियों की लड़ाई, आज हमारी पहचान की लड़ाई है, आज पूरे जुड़े समाज की लड़ाई है। आज पिंजौर डेरा नहीं है, कल को तुम्हारा डेरा भी है जी, सब के मन में ममता है, सबने बच्चे ले रखे। आज हिना का बच्चा गया है, इसका बच्चा गया है, एक बार पुलिस आना डेरों में चालू हो जाएगी और बच्चे उनमें चालू हो जाएंगे तो किसी रह खा जाएंगे, लेकिन तो समाज हमारे अलग कर देगा, बिल्कुल हमें तो रहने भी नहीं दिया जाएगा। फिर आज बच्चे डेरे भी मिट जाएंगे, आज बच्चे को लेके इशू बना रहे हैं कि बच्चा नहीं रख सकते, कल को तो बहुत कुछ करेंगे, कल को ये बोलेंगे कि बधाई ना लो, इनको बधाई ना दो, इस मोहल्ले में डेरे में नहीं रह सकते, तुम कहीं जंगल में जाके मैं तो सारी माइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, हिजड़पन हिजड़पन की जगह है, उससे कोई बाहर नहीं कभी हो सकता। चारों चटाई की माइयों से कह रही हमारा अलग जगह है, ये जो कुछ हुआ है ना, इस चीज को लाइटली ना लिया जाए, इसको छोटी मोटी बात ना समझी जाए, इस बात को सोचे और समझो और सब आगे आए और साथ दे, ठीक है ना। मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगी, कल के दिन को आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तीन चार के साथ ऑलरेडी, कल के दिन को तो ये हमारे को पूछेंगे तुमने ये ईंटें कैसे लगा रखी है घर के अंदर, तुम्हें रहने का हक नहीं है, तुम मांगने के लिए नहीं रह सकते। इस चीज को माइयों समझो और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर ज्यादा से ज्यादा सोचो इस बात को कि हमें लड़ना है अपने हक के लिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।